यदि माँ का दूध किसी कारणवश से नहीं आ रहा है या माँ को कोई ऐसी दवा चल रही है जिस कारण से वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है, कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव उपलब्ध हैं जो हम इस्तेमाल कर नवजात शिशु का पेट भर सकते हैं। अगर हम देखें, आइडियली किसी भी बच्चे को जन्म से लेकर 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध की आवश्यकता होती है, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। लेकिन काफी माओं में यह समस्या होती है, जिसको बोलते हैं लैक्टेशन फेलियर, जिसमें माँ का दूध बन नहीं पाता है, या कुछ केसेस में जिसमें माँ को कुछ ऐसी दवाइयाँ चलती हैं जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वगैरह, जिसमें डॉक्टर स्वयं ही बच्चे को माँ का दूध देने से मना करते हैं। उस कंडीशंस में हमें एक ऑल्टरनेटिव की जरूरत होती है, जिससे बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिले। आइए हम एक एक करके मात्र के दूध की ऑल्टरनेटिव के बारे में बात करते हैं। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 है, वो है डब्बे का दूध। वो इसलिए क्योंकि डब्बे के दूध में एक निश्चित मात्रा में जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है, या जो RDA बोलते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो उसका मतलब होता है कि हर बच्चे को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है ग्राम में, कितने फैट की आवश्यकता है, कितने विटामिन की आवश्यकता है, कितना आयरन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, वो सारा RDA पर ग्राम की उपलब्धता सुनिश्चित यदि करनी है तो डब्बे का दूध नंबर 1 पॉसिबिलिटी होती है। यदि किन्हीं कारणों से अगर माँ बाप डब्बे का दूध नहीं वहन कर पाते हैं तो नंबर 2 ऑल्टरनेटिव आता है भैंस का दूध, या पाश्चराइज थैली का दूध भी आप यूज कर सकते हैं। किंतु उसमें आपको यह सुनिश्चित करना है कि वो फैट फ्री नहीं होना चाहिए। यदि आप थैली का दूध यूज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको फुल क्रीम दूध की तरह इस्तेमाल करिए। यदि आप भैंस का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप 25% तक पानी मिला सकते हैं। गाय का दूध यूजुअली 6 महीने 1 साल तक हम मना करते हैं, क्योंकि गाय के दूध में उतना आयरन नहीं होता है और कुछ कुछ कंडीशंस में बच्चे को उसको पचाना मुश्किल होता है, क्योंकि एक एंटाइटी होती है जिसको बोलते हैं काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। गाय के दूध में कुछ ऐसे प्रोटीन तत्व होते हैं जो कभी कभी बच्चे उसको नहीं पचा सकते। मेट्रो सिटी में इंडिया जेनरिक द हेल्थ केयर टुडे थर्मल पावर प्लांट, यहाँ की मिट्टी और जागरूकता सबसे बड़ी जरूरत है। आप बीमार द हेल्थ केयर टुडे एक नेविगेटर की तरह काम करता है, जो मरीज को कम पैसे में बेहतर इलाज कहाँ कर सके इसके लिए एक रास्ता दिखाता है। हेल्थ केयर टुडे मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक ऐसी चैनल बनी जो हेल्थ के ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर रही है, कि इसके अंदर और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हेल्थ केयर टुडे देश के लोगों के आरोग्य के लिए जन जागरण का और हेल्थ की जानकारी लोगों तक ले जाने का बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आई वॉन्ट अप्लॉड द हेल्थ केयर टुडे फॉर डूइंग एक्सलेंट जॉब इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू पेशेंट्स हु आर इन नीड and also providing networks for the hospitals and doctors. Congratulations for a job well done. ऐसे केसेस में जहां पर माँ का दूध उपलब्ध नहीं है, उस केस में हम जो ऊपर का आहार है यानी सेमी सॉलिड फूड, वो 6 महीने की उम्र से ना शुरुआत करके उसको 4 महीने की उम्र से शुरुआत करते हैं। अब नजर डालते हैं कि 4 महीने के बाद हम बच्चों को क्या-क्या शुरुआत कर सकते हैं। 4 महीने की उम्र के बाद बच्चों को तरल पदार्थ जैसे दाल का पानी, चावल का पानी जिसको हम लोग माड़ बोलते हैं, बनाना को मैश करके उसमें दूध मिलाकर उसका घोल बनाकर वो दे सकते हैं, थोड़ा सा दही वगैरह दे सकते हैं। तो शुरुआती दौर में 1-2 महीने में, यानी 7.5 या 8 महीने की उम्र तक बच्चे को थोड़ा सा तरल पदार्थ देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वीनिंग। वीनिंग का मतलब होता है कि तरल पदार्थों की, दूध के अतिरिक्त तरल पदार्थों की शुरुआत। एक बार बच्चा जब इस तरीके के तरल पदार्थों को लेने
में सक्षम हो जाता है तो 8 महीने के बाद हम उसको फिर सेमी सॉलिड और धीरे धीरे सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, जिसमें खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, मैश करके आप दाल चावल दे सकते हैं, फ्रूट के पल्प दे सकते हैं, मौसमी फल जैसे आप आम को मैश करके दे सकते हैं, आप बनाना को मैश करके दे सकते हैं। बच्चों में 2 साल तक हमें बिल्कुल भी फैट रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। फैट के जो सोर्स होते हैं मुख्यतः तेल, घी, बटर इत्यादि। तो कहने का मतलब यह है 2 साल तक कोई भी कैलोरी या फैट रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं करना है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में रोटी, चावल, आलू, ये सारी चीजें आती हैं। अब आते हैं मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन और कैल्शियम के सोर्स में। मिनरल, विटामिन, कैल्शियम और आयरन हमें फलों, सब्जियों, इन सब चीजों से मिलता है। तो बच्चे की जो एक आहार की थाली होती है या जो वीनिंग फूड होता है उसमें इन चारों तत्व का एक संतुलित मिश्रण होना चाहिए, यानी उसमें फैट भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए और उसमें मिनरल और विटामिन्स भी होना चाहिए।